दोस्तों, क्या आपको पता है फैक्ट्री में बड़े बड़े स्पीकर कैसे बनते हैं और कैसे फैक्ट्री में स्पीकर रखने के लिए बॉक्स को बनाया जाता है? और क्या आप जानते हैं स्पीकर बनाने के लिए कैसे लोहे का इस्तेमाल किया जाता है और क्यों स्पीकर को गोल ही बनाया जाता है? तो वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले चुंबक लिया जाता है और प्लेट्स ली जाती है, फिर इन प्लेट्स पर चिपकने वाला ग्लू लगा दिया जाता है और उसे चुंबक से चिपका दिया जाता है। दूसरे प्लेट पर भी ग्लू लगाकर उसे बास्केट से चिपका दिया जाता है और स्क्रू कर दिया जाता है, जिन्हें बाद में चुंबक पर ग्लू लगाकर इसके ऊपर कप लगा देते हैं ताकि इसमें वॉइस कॉइल के लिए एक समान स्पेस रह जाए। फिर इसे बास्केट के साथ चिपका दिया जाता है। इस बास्केट में ही कनेक्शन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होते हैं। यहाँ बास्केट को बनाने के लिए स्टील को पिघलाकर मोल्डिंग मशीन में रखकर बनाया जाता है, फिर इसे फिनिशिंग दी जाती है और इस पर पेंट कर दिया जाता है। अब बारी है वॉइस कॉइल की। इसे बनाने के लिए कागज कैप्टोन और एल्युमिनियम की पतली शीट को रोल करके इसके एक सिरे पर इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेटा जाता है। बस तैयार है वॉइस कॉइल। अब इस कॉइल को चुंबक के बीच में रख दिया जाता है। इसके बाद तैयार स्पीकर की बास्केट पर फिर से ग्लू लगाई जाती है, जिसके बाद इसमें स्पाइडर को लगाया जाता है, जिसे इस वॉइस कॉइल के साथ ग्लू से चिपका दिया जाता है। स्पाइडर फैब्रिक और रेजिन की बनी होती है। इसके बाद बारी आती है डायफ्राम की, जो वॉइस कॉइल के ऊपर वाइब्रेट होकर साउंड प्रोड्यूस करता है। इसे बनाने के लिए वेस्ट पेपर की क्रशिंग मशीन में क्रस्ट किया जाता है, फिर एक कंटेनर में पानी डालकर इसमें इन क्रशिंग पेपर को घोला जाता है, जिससे ये बाद में पल्प बन जाता है। फिर इन पल्प को डायफ्राम बनाने वाली मशीन तक पहुंचाया जाता है। इस मशीन में डायफ्राम बनाने वाले सांचे होते हैं। जब इस सांचे को इस पल्प में डुबोया जाता है तो पल्प इस सांचे में आ जाता है, जिसके बाद एक प्रेशर मशीन इसे प्रेस करके डायफ्राम की शेप दे देती है, जिसके बाद इसमें दो छोटे छोटे होल करके वायर को लगा दिया जाता है, जो आगे बास्केट के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट में जोड़े जाते हैं। अब इस तैयार डायफ्राम को स्पीकर के वॉइस कॉइल और बास्केट से ग्लू लगाकर चिपका दिया जाता है। इसके बाद ऊपर से फॉर्म की रिंग लगा दी जाती है ताकि डायफ्राम अच्छे से चिपका रहे। फिर वॉइस कॉइल के ऊपर लगे कैप को निकाल दिया जाता है और वॉइस कॉइल के वायर को डायफ्राम कनेक्ट कर दिया जाता है, जो सीधे स्पीकर के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट से जुड़े होते हैं। इसके बाद इन तैयार स्पीकर को इलेक्ट्रिसिटी देकर चेक किया जाता है। चेक होने के बाद वॉइस कॉइल के चारों तरफ फिर से ग्लू लगाया जाता है और इसके ऊपर से टेस्ट कैप को लगा दिया जाता है। बस तैयार है आपका स्पीकर। अब डीजे स्पीकर को बनाने के लिए वुड सीट को ऑटोमेटिक कटिंग मशीन में रखा जाता है। ये मशीन इन सीट को डीजे बॉक्स बनाने वाले सभी पार्ट्स में काट देती है, जिसके बाद इन सभी पार्ट्स को ग्लू से जोड़ा जाता है और कील लगा दी जाती है। इसके बाद इसकी फिनिशिंग की जाती है और पेंट किया जाता है। अब सभी स्पीकर्स को चलाने के लिए एक पीसीबी को तैयार किया जाता है और उसे बॉक्स में लगाया जाता है। फिर इसमें स्पीकर्स को लगाकर कनेक्शन किए जाते हैं और फिर इसे शुरू कर दिया जाता है। बाद में ऊपर से इसमें लोहे की जाली लगा दी जाती है